कांग्रेस नेतलु राज्यांगंपै कूडा दुष्प्रचारं चेस्तुन्नारु प्रधानी मोडी राज्यांग निर्माता अंबेडकर तो पाटु नेहरू कूडा मतपरमैन रिजर्वेशन्लु वद्दनि चेप्पारु कानी कांग्रेस मात्रं एस्सी एस्टी ओबीसी रिजर्वेशन लागेसुकोनि ముస్లింలకు ఇవ్వాలని భావిస్తోందన్నారు। अब ये हमारा लोकतंत्र हमारे संविधान को लेकर झूठ फैलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ने इनके वोट बैंक को उनकी तुष्टीकरण की पोल खोल दी है। साथियों, आपको पता होना चाहिए 75 साल पहले जब देश का संविधान बना उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटका में रातों रात इन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया, रातों रात फतवा निकाला, थप्पा मार दिया कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सबके सब ओबीसी। तो परिस्थिति क्या हुई? वहां जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने डाका मार लिया, चोरी कर ली, बाकियों के पास कुछ बचा ही नहीं। यूपी में अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे यादव भाई बहन, मेरे मौर्य भाई बहन, मेरे लोध भाई बहन, मेरे पाल भाई बहन, मेरे जाटव भाई बहन, मेरे शाक्य भाई बहन, मेरे कुशवाहा भाई बहन, इन सबके हक का क्या होगा? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। साथियों, सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, ये भ्रम भी टूट जाएगा।